बस तो बेसिकली यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि जो चूंकि ये माने स्लाइट डिफरेंट है बाकी सभी जगह के माने एग्जामिनेशन से, क्योंकि प्राइवेट पार्ट होता है बॉडी का दूसरा, कि एक एटमोस्फियर ऐसा होना चाहिए, नहीं उसके पहले करो, यस सर, जिसमें कि द पेशेंट और द क्लाइंट शुड फील कंफर्टेबल. तो एग्जामिनेशन इज नॉट इजी, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और बहुत सारा इसमें प्राइवेसी मेंटेन करना होता है ना. यस सर, इसमें पेशेंट का हिस्ट्री एंड पेशेंट का डिटेल कंडीशन, ये भी पेशेंट क्या प्रेजेंट स्टेट है वो भी ठीक से पता पहले रहेगा, तभी हम किसी इनकॉन्टिनेंस का ट्रीटमेंट कर पाते हैं ना. सो बोलता है कि द इनिशियल प्रायोरिटी टू गेन वेट, गेन इंस्टेंट इनटू द प्रॉब्लम एज द पेशेंट एक्सपीरियंस इट, विच कंडीशन इज अफेक्टिंग हर लाइफ, और उसके पूरे लाइफ को ये खराब करता है. ऐसा नहीं कि जैसे आज अभी यहाँ पे मान लिया जाए कि इनकॉन्टिनेंस हुआ, आप किसी क्लासरूम में बैठे हुए हैं या कोई सोशल गैदरिंग है, कोई फंक्शन है, वहां पे अगर इनकॉन्टिनेंस होता है तो ये बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन होता है, ठीक है ना. यस सो सर, यस आता सर, है यस कि सर, इसको जो है आपको फेयर समझना चाहिए, हर पेशेंट को इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम तो कुछ गड़बड़ हो गया, बहुत खराब हो गया, सिचुएशन इज वेरी बैड, ऐसा ना सोच करके उसको कंसर्न डॉक्टर से या जहां भी उसका मैंने संबंधित इलाज हो सकता है या अपने रिलेटिव को बता सकता है वो सब बताना चाहिए, ठीक है ना. नेक्स्ट करो. यस सर, और इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं कि जैसे कुछ नेटोरियस सिचुएशन होता है, जैसे कि मान ले जाए कि कॉशन करना होता है और फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, लीकेज कितना हुआ, कहाँ पे हो रहा है, इससे सबका क्रॉस चेक करना होता है ना. मैंने ऐसा नहीं है कि इजली आज टॉयलेट हुआ, आज इनकॉन्टिनेंस हुआ और हम उसको छुपा लिया, अब 10 दिन के बाद हो रहा है तो भी हम नहीं बता रहे, मैं तो सब 10 दिन ठीक था, एक ही दिन तो हुआ था, ऐसा भी नहीं सोचना है. अगर एक दिन भी इनकॉन्टिनेंस हुआ है किसी का तो समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, हो सकता है माने गिगलिंग वाला जो था वो वाला हो, सिचुएशन गिगलिंग लाफिंग वाला था ना एक, यस सर, वो हो तो हो सकता है गिगलिंग या लाफिंग करने पर. और तो अगर एक बार भी होता है 10 दिन पर 15 दिन पर तो दैट इज ऑल्सो ए कंडीशन, उसको भी लाइटली नहीं लेना है, समझे कि नहीं. यस सर, सबसे पहले जो यस हम सर, लोग का पार्ट है एज ए फिजियोथेरेपिस्ट और ए मेडिकल प्रोफेशनल टीम, सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एग्जामिन द पेरिनियम एंड पेल्विक फ्लोर. सो पहले सो इसमें सबसे पहले काम ये करना होता है कि जो भी है एक प्रोफेशनल को पूरा नॉलेज होना चाहिए कि एग्जामिनेशन का प्रोसीजर क्या है, कौन सा मसल कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सा पार्ट बोनी प्रोमिनेंसेस है, कौन सा एरिया ज़्यादा सेंसरी इंटैक्ट है, ये सब बातों का डिटेल पता होना चाहिए, ठीक है ना. यस सर, स्ट्रेंथ के यस बारे सर, में आपको प्री नॉलेज होना चाहिए कि जैसे नॉट फॉर द पेल्विक फ्लोर और पेरिनियम, इसका कहने का मतलब आपको जैसे मान लो बाइसेप मसल्स का है तो बाइसेप मसल का स्ट्रेंथ के बारे में आपको पहले से कुछ कुछ पता होना चाहिए कि कैसे हम पालपेट करते थे, कैसे हम फील करते हैं कि इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है कम है थोड़ा और ज्यादा है, ये सब का एक अनुभव पहले से होना चाहिए. आप किसी को मान लिया जाए कि स्ट्रेंथ चेकिंग करने के लिए किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को कह दोगे तो उसको तो पता नहीं चल पाएगा, मान लिया ऑर्थोपेडिशियन को एक स्ट्रेंथ यस पता सर, चलेगा कि कितना मसल का, यस ऑर्थोलॉजिस्ट सर, को पता चल जाएगा या फिजियोथेरापिस्ट को पता रहता है. लेकिन अब तुम एक मान लिया जाए कि मैंने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को कहोगे कि भाई बाइसेप का स्ट्रेंथ कितना है सर, आप टच करके बता सकते हैं, तो वो ही और सी कैन नॉट. तो यस कहने सर, का मतलब जब भी यस सर, ये मसल का स्ट्रेंथ चेक करना हो तो आपको प्री एक्यूरेसी तो नहीं करो, प्री इंटीमेशन होना चाहिए कि कैसे हम करते थे और एक अनुभव का वाला चीज है वो होना चाहिए. उसके बाद कहता है कि ये वुमेन्स एग्रीमेंट एंड आस्क हर टू प्रिपेयर हर सेल्फ ऑन द
कफ अंडर दिस शीट इन ए क्रूक लाइंग पोजिशन. वेरी गुड. देखो एक्चुअली क्या होता है कि क्रूक लाइंग पोजिशन में करो और नीचे एक कुछ सीट रख दो, है ना. यस सर. सीट इसलिए रखना है कि अगर बेड उससे वेट नहीं होगा. विथ टू पिलो अंडर द हेड, हेड के नीचे भी दो पिलो रखना है. एंड आफ्टर रिमूविंग टाइट एंड पैंटीज, मैंने ये सब हटा करके ऐसे पोजिशन में रखना है. उसके बाद कहता है एन अब्जॉर्बेंट पैड इज प्लेस्ड अंडर द बटक. समझ रहे हो कि नहीं बात को. यस सर. यस सर. उसके बाद द पेनियम इज ऑब्जर्व फर्स्ट फॉर स्किन कंडीशन. फिर देखना है कि स्किन का कंडीशन कैसा है, कोई रेडिश कलर तो नहीं है, या कोई इन्फेक्शन जैसा तो नहीं है, कोई वुंड जैसा तो नहीं है, कोई इरिटेशन तो नहीं है, कोई कलर डिसकलर तो नहीं हुआ, इस तरह का चीज देखना है. हिमरॉइड्स तो नहीं है, कोई प्रोलैप्स इविडेंसेस तो नहीं है, कोई कोई प्रीवियस सर्जरी का तो केस ऐसा नहीं है, या आस्क फॉर कफ एंड स्ट्रेन. देन कहेंगे कि आप कफ और स्ट्रेन करिए, मैंने कफ करिए तो क्या होगा. नेक्स्ट स्लाइड करो. यस सर. द इविडेंस ऑफ लैब मैंने फिर बेलोइंग ऑफ द पेरिनियम इन एनी लीकेज ऑफ द यूरिन इज नोटेड. उसके बाद फिर अगर है ऐसा तो यूरिन का पता चलेगा कि नीचे वो वेट हुआ है ना. उसके बाद और भी तरीका है टेस्टिंग का, उसमें करते हैं कि बियरिंग ग्लव्स एंड लुब्रिकेंट लगा लो उसमें ग्लव्स के ऊपर जो प्लेसेस है फिंगर के ऊपर. एंड द थेरेपिस्ट सेपरेट द लिबिया फर्दर ऑब्जर्वेशन थ्रू द मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर are gently inserted into the vagina and checking the texture of ball. Evidence of prolapse and any discomfort caused noted. मैंने जैसे हम चेक करेंगे कि कोई जैसे कोई इरिटेटिव सरफेस तो नहीं है, या कोई सरफेस में कोई छोटा सा उभार तो नहीं, इस तरह का चीज जो नॉर्मल होता है उससे डिफरेंट है क्या, ऐसा पता चल जाता है तो भी कुछ प्रॉब्लम रह सकता है. ठीक है ना. Yes, sir. Last to contract. Yes, sir. एज इफ स्टॉप लीकेज, जैसे मान लिया जाए कि दूसरा और एक चेकिंग का तरीका है कि हम उसको बोलेंगे कि जैसे टॉयलेट करने के समय मिक्सुरेशन के समय विल बी प्रोर को स्टॉप करना है उसको, है ना. और टू ग्रिप द पेशेंट फिंगर, और जो पेशेंट थेरेपिस्ट का फिंगर है उसको टाइट ग्रिप करना है. और प्रिवेंट देयर विदड्रॉल, और हम जो हम उसको निकालना चाहेंगे फिंगर को लेकिन वो कंप्रेस करेगा, प्रिवेंट करेगा उसको. ठीक है ना. And yes, to contract recorded with the estimation of strength and maximum length of time. अच्छा, इसमें क्या करेगा कि कितना टाइट कंट्रोल करता है, कितना देर तक करता है, एंड और उसको कितना देर मेंटेन करके रखता है. तो yes, यही सब जो yes, समझेंगे कि हाउ मच स्ट्रेंथ बाय द पेल्विक फ्लोर और एनल मसल्स. ठीक है ना. और स्पिंचर मसल, है ना. अगर और उसके बाद एक तो हो गया वो स्ट्रेंथ के लिए चेकिंग के लिए. अब दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम चेकिंग करने के लिए. फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम चेकिंग करने के लिए हम इसका एक चार्ट बनवाते हैं, वो भी अभी आगे आ जाएगा. और इसमें क्या करते हैं कि द पेशेंट इज आस्क्ड टू नोट द टाइम ऑफ डे एंड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ यूरिन वॉइडेड ईच टाइम and she goes to the toilet. देखो इसमें क्या करना कि कितना वॉल्यूम माने एक बार यूरिन जाता है या जाती है तो क्या कहते हैं उसको मेजर करना. मेजर कैसे करोगे, मेजर कैसे करना है कि जैसे एक छोटा सा जग लेना है और जग में मार्किंग रहेगा पहले से कि इतना बढ़ेगा तो 200 मिलीलीटर, इतना बढ़ेगा तो 100 मिलीलीटर, तो इस तरीके का मार्किंग रहता है. फिर उसको उस जग से ट्रांसफर कर देंगे बड़े जग में जहाँ के फेंकने के लिए जगह होता है. ठीक है ना. तो ऐसे करके दिन भर में मेजर करना है. लेकिन इसको मेजर करने में एक बात दिक्कत ये आती है कि जैसे मान लिया घर में रहेगा तो ऐसे कर लेगा, अब मान लिया जाए कि कभी कोई ऑफिस प्लेस में गया तो हर जगह तो इस तरह का जग नहीं लेके घूमेगा बंदा. यस सर. तो दिन भर में एक बार दो बार ऐसे एक्सक्लूड कर सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है कंपल्सरी कि हर बार का वॉल्यूम मेजर करना. वो पता चल जाता है कि जैसे घर में सुबह दो बार यूरिन हुआ तो 200 मिलीलीटर हुआ, तो ऑफिस भी गए थे तो करीब करीब उतना ही था सर, उसको आके नोट कर दिए सेम एज जैसे घर का था उतना ही, और नहीं तो कम है तो डिक्रीज अमाउंट फ्रॉम द होम, ऐसे करके लिख सकते हो उसमें. ठीक है ना. ओके सर. लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा वरीड नहीं होना कि नहीं जी अब तो ऑफिस जाना है
अब कैसे करें, हमको तो वहां जग ले नहीं जा पाएंगे, या ऐसी जगह गए जहां पर कि वो भी संभव नहीं, ऑफिस में तो चलो एक बार ले भी चल जाएगा, अब मान लिया कोई रास्ता में जा रहा है वहां पे लग गया यूरिन, तो वहां कैसे करेगा। सो यस सर, ऐसा वरीड नहीं होना है। वेन एवर यू फील कंफर्टेबल यू कैन मेजर द अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ द यूरिन, ये बात है इंपॉर्टेंट, नहीं समझे बात को। ओके सर, यस सर, ओके कुछ सर, समझ रास्ते में गए। जा रहा है तब हमको वाइट करने का हुआ, आप बताइए क्या करें, तो कोई बात नहीं, आप मत करिए उस समय, समझे कि नहीं बात को। यस सर, और ऐसा कम से कम मान के चलो कि यानी कि 7-8 दिन तक करना है, एज इनकॉन्टिनेंस विद द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिकॉर्डिंग ओवर लॉन्ग पीरियड इज नेसेसरी। और एक बात इम्पॉर्टेंट है कि कहने का मतलब एक बात और है कि एक चीज देखना उसमें और है कि यूरिनरी एक्सीडेंट टाइम और दैट अमाउंट ऑफ ड्रिंक टेकन, माने कितना वाटर वो कंटेंट लिया है उस पर भी डिपेंड करेगा, तो ये सब भी नोट करना है। ऐसा नहीं कि जो दिन भर में मान लिया पहले पीता था 3 लीटर पानी, आप पी रहा 8 लीटर पानी, तो नेचुरली अमाउंट ज्यादा तो आएगा ही, तो यस सर, ये भी ध्यान रखना है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर इंटेक हो रहा है उस बंदे का जिसका आप एसेस कर रहे हैं, जिसका केस स्टडी कर रहे हो या रिसर्च पर्पसेस से कर रहे हो, तो ये सब बातों को ध्यान रखते हुए नेक्स्ट स्लाइड करो जरा। यस सर, तो कहता है कि ए वोमन विथ नॉर्मल कंट्रोल डज नॉट वॉइड मोर देन 6 to 8 टाइम पर 24 आवर्स। हम पहले भी बताए थे कि एटलीस्ट 6 टाइम्स का पर डे का फ्रीक्वेंसी होता है कि नहीं, यस पॉजिटिव इम्प्रेशन है ना। माने कहने का मतलब एक तो ये है कि हर चीज का अमाउंट तो पता रहना है, लेकिन कई बार ये सब चीजें ना मैंने सब्जेक्टिव इम्प्रेशन है, सब्जेक्टिव इम्प्रेशन इन द सेंस कि मैंने ये खाली अमाउंट का ही बात नहीं है, प्लेस टाइम वॉल्यूम कहाँ पर किसके समय सोशल इम्पैक्ट, ये सब के कारण ये सब्जेक्टिव इम्प्रेशन भी है पेशेंट का, है ना। खाली अमाउंट से ही मतलब नहीं, अमाउंट तो चलो ठीक है न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन सब्जेक्टिव इम्प्रेशन भी पड़ता है मिक्चुरेशन का, ठीक है ना। यस सर, दी प्रिसाइज डिग्री ऑफ नॉक्चूरिया, नॉक्चुरिया का मतलब समझते हो ना, नॉक्चुरनल माने जो नाइट में नाइट में, यस सर, है ना। उसके बाद कहता है कि वेदर द पेशेंट हैज एन अल्टर्ड सर्केडियम रिदम, सो कहता है कि वाइडिंग माने कहने का मतलब सर्केडियम रिदम भी समझते हो कि नहीं, जैसे मान यस लिया सर, किसी बायोलॉजिकल क्लॉक वाला, बायोलॉजिकल क्लॉक, जैसे मान लिया किसी को ऐसा फीलिंग था कि जैसे सवेरे सवेरे उठते हैं तो टॉयलेट नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही पानी पीते हैं गिलास तो हमेशा टॉयलेट ट्रक लग जाए, तो वही कैसा उसका साइकिल है, तो कोई साइकिल में ब्रेकेज तो नहीं हुआ है। जैसे मान लिया जाए कि अभी अपने घर पर है, कल अपने माने कहीं दूसरी जगह रिलेटिव के यहाँ गया, फ्रेंड के यहाँ गया, अब वहां पे पानी मिला नहीं, तो क्या ऐसा उसके कारण भी तो यूरिनेशन नहीं हुआ, मैंने क्योंकि क्यों यस ऐसा सर, बन गया था उसका, है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक तैयार हो गया, यस तो सर, कहने का मतलब ऐसा भी तो यस सिचुएशन नहीं आ रहा, ये भी नहीं मेजर करना है आपको। तो वॉल्यूम वॉइडेड कंपेयर्ड विद द ब्लैडर कैपेसिटी, जो ब्लैडर की कैपेसिटी है उससे कितना ज्यादा कम है, ये भी एक वॉल्यूम देखना है ना। इंसिडेंस ऑफ यूरिनरी एक्सीडेंट, माने इंसिडेंस ऑफ यूरिनरी एक्सीडेंट करने का मतलब जो यूरिनरी एक्सीडेंट इज बेसिकली यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इनकॉन्टिनेंस, यस सर, वेरी गुड। एंड इनकॉन्टिनेंस, हाउ मच ड्रंक, माने कितना पानी लेता है, कोई ऐसा चीज तो नहीं लेता है ड्रिंक में जैसे कैफीन है या कोई अल्कोहल है, उसके कारण भी यूरिन का स्टिमुलेशन बढ़ जाता है, यस सो सर, ये सब का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट स्लाइड करो, जब आप असेसमेंट करते हैं तो ये देखो एक तुम्हारा यूरिनरी वॉल्यूम का है, और यूरिनरी वॉल्यूम में भी ध्यान देना है, इसमें ग्रेडिंग करते हैं कि जैसे प्लस प्लस 2+ या 3+ करके कितना बजे, जैसे 1 AM 2 AM 3 AM फिर शाम को 1 बजे शाम को मैंने PM, तो ऐसे करके पहला दिन दूसरा दिन सब तीसरा दिन चौथा दिन सातवां दिन तक मेजर करके रखेंगे यूरिन का, ठीक है ना। ओके सर, तो इसी से पता चलेगा कि जो जैसे मान लिया पहला दिन यूरिन का हुआ तो कितना टोटल वॉल्यूम आया नीचे लिख करके मेजर किए, और जब 10 दिन के बाद तुम एक्सरसाइज किए तो 10वां दिन मेजर किए तो कितना आया, तो डिफरेंस से ही पता चलेगा कि और एक्सरसाइज इज इफेक्टिव और नॉट। आप समझे कि नहीं ओके बात, सर, यस सर,
इसीलिए यस सर, वॉल्यूम भी मेजर करना है, स्ट्रेंथ भी मेजर करना है इन डिटेल, तभी आपका कोई भी काम जैसे रिसर्च पर्पज से या किसी पेशेंट पर आप स्टडी कर रहे हो, केस बना रहे हो, तो ये जरूरी है ये सब मेजरमेंट करना। नेक्स्ट स्लाइड करो। उसके बाद द पैट टेस्ट करते हैं। पैट टेस्ट का मतलब होता है सर अमाउंट ऑफ यूरिन को मेजर करने के लिए जो आपने बताया था। हाँ, तो वही तो है ये भी बात। इसका कहता है कि द टेस्ट इज अप्रूव्ड बाय आईसीएस। आईसीएस का मतलब होता है, सॉरी, आईसीएस का मतलब होता है इनकॉन्टिनेंस सोसाइटी। सो इनकॉन्टिनेंस सोसाइटी टेक 1 आवर टू कॉम्प्राइज द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये तो तुम लोग को बताए हुए हैं, लेकिन चलो चूंकि आया तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ये जानते हो तुम लोग? सर वही सर, इसमें ना कि हम लोग पैड से मेजर करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ मिक्चुरेशन हुआ है उसके। सर कैसे टेस्टिंग का ये पूरा प्रोसीजर लिखा हो, बताओ, बोलो पूरा। द पेशेंट टेस्ट विद प्री वेड, सर जो भी पैड होगा वो हमारा टाइम शुरू होने के पहले पेशेंट को पेशेंट पे लगा देंगे नहीं, और उसको लगाने से बिल पहले भी कुछ करते हैं, वेट लेते हैं उसका, वेट लेते हैं। उसका भी यस वेट लेते हैं ना। यस सर, आ उसके बाद सर पेशेंट को बोलेंगे वॉइड करने के लिए नहीं और बोलेंगे, जो नहीं फिर वही चीज गड़बड़ाती है। बोलेंगे तो करेगा जी, तो इनकॉन्टिनेंस थोड़ी हुआ। बोलेंगे यस सर तो वॉलेंट्री हो गया। करना क्या होता है कि लगाने पैड लगाने के बाद उसको बोलेंगे कि सीढ़ी पर ऊपर नीचे चढ़ो, या मान ले जाए कि कुछ एक्सरसाइज काम करा दो, कुछ स्टैंडिंग अप फ्रॉम सीटिंग ऐसा कुछ काम कराओ, कफिंग करा दो कोई तरीका से, गिगलिंग करा दो, यस है सर ना, कुछ थोड़ा देर कहो कि रनिंग कर लो 1 मिनट के लिए, या बेंडिंग डाउन कर दो, कोई सामान उठा लो, मैंने कोई काम ऐसा करा ले जिससे कि कुछ ना कुछ उसको इनकॉन्टिनेंस हो जाए। ओके सर, वो होता है तो समझो कि, और फिर उसके बाद मेजर कर लो, तो जब मेजर करोगे तो जितना अमाउंट आएगा डिफरेंस वो कहलाएगा, है ओके सर ओके सर ओके सर ना। एट द एंड ऑफ 1 आवर द पैड इज रिमूव्ड एंड वेटेड, यस सर एनी डिफरेंस? आप समझे कि नहीं बात को? लेकिन यस सर यस सर अवॉइड आपको कहना नहीं है कि करो। हाँ, यस सर वो तो फिर का वॉलेंट्री हो जाएगा। वॉलेंट ओके सर नेक्स्ट स्लाइड करो। और एक बात और भी ध्यान देना है कि अगर इस असेसमेंट के दौरान अगर 1 ग्राम अगर बढ़ता है, 1 ग्राम, तो समझो कि ये नॉर्मल है, बिकॉज ऑफ द मे बी ड्यू टू द स्वेटिंग के कारण या कोई वेजाइनल डिस्चार्ज के कारण 1 ग्राम तक अल्टर हो सकता है। ओके सर अगर 1 ग्राम चेंज होता है तो ऐसा नहीं कि समझ लो कि अरे ये तो ये भी डेंजरस है, समझे कि ओके नहीं सर बात? यस सर तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात था। और उसके बाद अब इसमें एक क्वेश्चन बनेगा तुम्हारे लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि द अमाउंट ऑफ विच अमाउंट इज रिलैक्स फॉर मेजरिंग ऑफ इनकॉन्टिनेंस आफ्टर पैड टेस्ट, तो लिखेगा 1 ग्राम, वन ग्राम 5 ग्राम, 10 ग्राम, 2 ग्राम या 3 ग्राम, तो आंसर विल बी 1, वन ग्राम समझे? यस सर यस सर तुम लोग हमारा वाला किताब पढ़े कि नहीं, ऑब्जेक्टिव वाला जी? अच्छा तो यस सर सुनो, पढ़े हैं मैनुअल ग्रेडिंग यस कैसे करते हैं? तो मैनुअल ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए पेल्विक फ्लोर मसल इज बेसिकली द आइडिया जो इसमें आया, उसमें भी वही बात करना है कि ग्लव ग्लव्ड इंडेक्स फिंगर एंड आस्क द पेशेंट टू कॉन्ट्रैक्ट द पेल्विक फ्लोर मस्कुलेचर। समझ गया कि नहीं बात को? और उसमें यस सर कहता है कि कैटेगराइज करना है व्हाट इट फेल्ड। कैसे कैटेगराइज करोगे? जैसे एक कैटेगराइजेशन जो है क्या, लेकोक एंड चेरेली ने बताया कि 6 पॉइंट स्केल है। 6 पॉइंट स्केल जैसे हम लोग एमएमटी करते हैं ना, यस सर एमएमटी में जैसे करते, यस सर जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 आता था, यस वैसे सर ही इसमें भी है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा। और 0, 1, 2, 3, 4, 5 में क्या करना है कि जैसे मान लिया अगर किसी का कुछ भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, फिंगर पर फीलिंग नहीं आया, तो क्या बोलेंगे? 0। समझे कि नहीं बात को? यस सर यस सर फ्लिकर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है मतलब 1, और वीक है वन मतलब 2, मॉडरेट स्ट्रेंथ है इसका मतलब 3, और गुड है इसका मतलब 4, 5 है स्ट्रॉन्ग। तो कैसे समझोगे इसको? इसको फीलिंग से समझना है, फीलिंग से समझना। एक तरीका और भी है कि जैसे मान लिया जाए कि जैसे
जैसे मान लिया फिंगर पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ ही नहीं तो क्या बोलेंगे, जीरो। और कॉन्ट्रैक्शन हुआ फॉर लिटिल टाइम, लिटिल टाइम कहने का मतलब कि 2 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, ऐसा। तो yes, सब लोग की वीक है, मैंने फ्लिकर है, 1 है इसका मतलब। और थोड़ा सा जैसे और बढ़ा दिया सेकंड, मतलब 10 सेकंड के आसपास अगर कर लिया तो समझो कि 2 हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अब उसकी कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी और थोड़ा सा बढ़ गया तो समझो कि 3 है। और ऐसा हो रहा है कि आप फिंगर को निकाल भी नहीं पा रहे हो, इतना टाइट कर हो रहा है मसल से, तो गुड हो गया 4। बहुत फोर्स लगा कर भी कर रहे हैं तो भी नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब 5 स्ट्रांग होगा। तो कहने का मतलब ऐसे करके आप लोग पेल्विक फ्लोर का चेक कर सकते हैं। उसके बाद बायोफीडबैक एक मेजरमेंट का तरीका है। इसमें क्या कहते हैं कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, और फिजियोथेरेपिस्ट या तो पेशेंट खुद को विद द हेल्प ऑफ मिरर वो देख सकता है। जैसे मान लीजिए कि सुपाइन लाइंग में है और सेमी मैंने फ्लेक्स थोरैक्स का पोजीशन है, और मिरर को आगे रख करके वो देख सकता है कि मैंने बायोफीडबैक कि हमारा स्ट्रेंथ कैसा है, देखने में पेल्विक फ्लोर कैसा लग रहा है, उसमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी आ रहा है कि नहीं, तो फीलिंग कर सकता है। मैंने वोमेन कैन सेल्फ भी अपने आप से भी देख करके उसमें, और इसमें एक मशीन होता है, मशीन को स्विच्ड करने से, ऑन करने से उसमें कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल मिलता है कि नहीं मिलता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का सिग्नल मिलता है कि नहीं मिलता है, देख करके भी अपने आप को समझ सकते हैं पेशेंट, ठीक है ना। यस सर। समझने पर उसको होगा कि नाउ आई एम गेटिंग मैंने गुड, और अच्छा मैंने है कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब धीरे धीरे। तो बायोफीडबैक भी एक अलग तरीके का मेजरमेंट टूल्स है, जिसको कि देख करके पेशेंट को फीलिंग होता है और एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। उसके बाद विजुअल एनालोगस स्केल है। विजुअल एनालोगस स्केल में भी कोई अगर पेन का मेजरमेंट होना है तो ड्यूरिंग द इनकॉन्टिनेंस हम इसको भी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करो। इसके बाद एक बहुत सारा छोटे छोटे और भी तरीका है, जैसे साइटोमेट्री होता है। साइटोमेट्री में क्या होता है, साइटोमेट्री में बेसिकली ब्लैडर का इफिशियंसी चेक करते हैं ना, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ ब्लैडर में रह सकता है यूरिन, तो ये इसकी कैपेसिटी चेक करते हैं। उसके बाद यूरोफ्लोमेट्री, तो तुम लोग को पिछली बार बोले थे कि यूरिन का फ्लो कितना प्रेशर से निकल रहा है उसको मेजर करते हैं। डिजिटल यूरेथ्रल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, डिजिटल यूरेथ्रल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मैंने इसमें भी जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर होते हैं ना, तो उसके ग्राफ से देखते हैं कि कितना मैंने उसकी कैपेसिटी है मसल का। उसी तरह से इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी है, मोटर कंडक्शन टेस्ट है, ये सब टेस्ट है जो कि पता कर सकता है मसल्स को, लेकिन बहुत आसान नहीं है इन सब का टेस्टिंग। उसके बाद कुछ और अदर टेस्ट है, जैसे मान लीजिए कि पेरिनियल डिसेंट, पेरिनियल डिसेंट जैसे इशियल ट्यूबुलोसिटी देखते हो, इशियल, यस सर, इशियल ट्यूबुलोसिटी के लाइन से अगर नीचे जाता है तो पेरिनियल डिसेंट मैंने मान के चलते हैं, तो ये भी एक तरीका है, लेकिन पेरिनियल डिसेंट पता चल जाता है। उसके बाद एनोरेक्टल मैनोमेट्री, एनोरेक्टल मैनोमेट्री का मतलब होता है कि जो अमाउंट ऑफ रेक्टम में कितना फीसेस है और एनस से कितना मैंने कंट्रोल हो रहा है या बाहर आ रहा है, उसी को कंडीशन को, जैसे हम लोग इसको कहते थे ना यूरेथ्रा का और ब्लैडर का, यस सर, उसी कंट्रोल, तरह हाँ उसी तरह से उसके कंट्रोल को मेजर करने के लिए एनोरेक्टल मैनोमेट्री बोलते हैं। उसके बाद पेलोग्राम है। पेलोग्राम इज बेसिकली, अच्छा पेलोग्राम मैं बताता हूँ क्या होता है। जो पेलोग्राम एक बार तुम लोग देखते हो कि जी, जो एक्सरे करते हैं और ऐसा एक्सरे करते हैं कि इसमें ना किडनी और यूरेटर का वो पता चला लेते हैं कि कैसा मैंने उसमें कितना अमाउंट कहीं पे क्लोजर तो नहीं। इसमें एक्चुअली बेसिकली कोई रिएजेंट डालते हैं लोग और एक्सरे करते हैं उसके बाद। ओके सर, दिस इज कॉल्ड पेलोग्राम। ओके सर, देखे होगे कहीं तुम लोग। ओके सर, साइटोस्कोपी में क्या होता है कि साइटोस्कोपी में क्या होता है कि जो यूरेटर का वाल होता है ना, यस सर, का जो वाल होता है, यस, यूरेटर के वाल तक जैसे थ्रू द यूरेथ्रा को इंसर्ट करते हैं कैमरा, उसको बोलते हैं साइटोस्कोप। साइटोस्कोप भेजते हैं अंदर कैमरा से और पूरा यूरेटर का वाल को देख लेता है, रीड कर लेता है,
उस कैमरे के थ्रू बाहर में स्क्रीन पर, ठीक है ना, उसी को ओके सर, साइटोस्कोपी बोलते हैं, समझ गए ओके इस सर, चीज में। यस सर, यस सर, सर, मेजर, सर, ये सब सर, मेजर मेजर, जैसे किसी को मान ले जाए कि कैंसरस सेल है, या मान ले जाए कि कोई माने ट्यूमर है या कोई सिस्ट है, तो ये सब को पता करने के लिए बहुत हाई लेवल का ये सब चीजें होता है, जो कि एक रेडियोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट वगैरह करते हैं, है सर, ना। ये सर, ये यूरोकोडाइनेमिक जो टेस्ट लिखा है, ये यूरोलॉजी से रिलेटेड टेस्ट के बारे में बोल रहा है। हाँ, यूरोलॉजी ओके का सर, टेस्ट है सब। ओके सर, यूरोडायनेमिक माने, यूरोडायनेमिक मतलब यूरिन का फ्लो हो गया, कुछ रेडियोलॉजिकल हो गया, कुछ मायो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल असेसमेंट हो ओके सर, गया। कहने का मतलब ये सब मेजर मेजर टेस्ट है जो कि एक यूरोलॉजिस्ट से या रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है। पर वी हैव टू अंडरस्टैंड, माने बेसिक तो जो जानना ही चाहिए, कि जैसे हम बोले, डॉक्टर बोला कि इसका जी मैं एनोरेक्टल मैनोमेट्री करूंगा, अब आपको समझ ही में नहीं आ रहा कि व्हाट इज एनोरेक्टल मैनोमेट्री, तो वहां पे आपको दिक्कत होगा। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है ना करना है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स एक्चुअली, ओके सर, नहीं समझ बात को। अब यस जैसे सर, पाइल कोई डॉक्टर बोल दिया आपके सामने करते करते कि इसका पाइलोग्राम लेकर के, और रिपोर्ट, पाइलोग्राम का अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा क्या होता है, जो समझे कि नहीं बात, यस सर, यस या सर, आपने पाइलोग्राम का रिपोर्ट पढ़ा था, ऐसे पूछता डॉक्टर, तो अब पाइलोग्राम समझ ही भी नहीं रहा कि व्हाट इज पाइलोग्राम। तो जैसे यस अगर सर, उसमें नहीं रहेगा रिपोर्ट, तो तुरंत तो आप जवाब दे सकते हैं कि सर रिपोर्ट वॉज नॉट अटैच इन द फाइल, जो भी है यस मैटर, सर, यस सर, यस सर, लेकिन